चले तो शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। आज डुमरी में लगेगा दिग्गजों का जमावड़ा। सीएम सुरेन अर्जुन मुंडा समेत कई दिग्गज करेंगे प्रचार। सीएम हेमंत सोरेन चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। पार्टी प्रत्याशी बेबी देवी के पक्ष में मांगेंगे वोट। आपको बता रहे कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी साथ में चुनावी मैदान में उतरेंगे। यशोदा देवी के पक्ष में जनता से करेंगे वोट की अपील। तो देखिए, उपचुनाव होना है डुमरी में और इससे पहले तमाम प्रत्याशियों के पक्ष में पार्टी वोट मांगते नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजीव कुमार जुड़ गए। संजीव, आज डुमरी उपचुनाव को लेकर दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिल सकता है। सीएम हेमंत सोरेन भी इसमें नजर आएंगे, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए पूजा, जिस तरह से डुमरी उपचुनाव का दिन नजदीक होते जा रहा है, उस तरह जो है डुमरी उपचुनाव को लेकर के लगातार पक्ष और विपक्ष, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और झारखंड सरकार के कई मंत्री जो है डुमरी में विधानसभा में जो है उतर चुके हैं। अपने अपने प्रत्याशियों के मत मांगने के लिए, लोगों को रुझाने के लिए लोग जो है पद यात्रा भी कर रहे हैं और जनसंपर्क भी कर रहे हैं। उसी क्रम में आज केंद्रीय मंत्री जो है अर्जुन मुंडा, यशोदा देवी जो आशू प्रत्याशी है, उनके पक्ष में वोट मांगेंगे। उससे पहले 9:30 बजे जो है उनकी पीसी होगी। अब पीसी होने के बाद पहले डुमरी जाएंगे और डुमरी के बाद नावाडी, तेलो, कई पंचायतों का दौरा करेंगे केंद्रीय मंत्री। और उसी क्रम में जो है मुख्यमंत्री भी आज जो है डुमरी में आम सभा करेंगे और लोगों को अपने 4 साल के कार्यकलाप का जो है व्याख्या भी करेंगे और लोगों को बेबी देवी के पक्ष में वोट मांगने का अपील भी करेंगे। और उसी क्रम में कई मंत्री झारखंड सरकार के कहने के महागठबंधन के कई मंत्री जो है लगातार यहां पर जो है कैंप किए हुए हैं और रहने सुबह से ही जो है अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने के लिए, रुझाने के लिए लोग के घर घर जाकर के लोग मांग रहे हैं। और उसी क्रम में लगातार आज चुके जो केंद्रीय अध्यक्ष है सुरेश महतो, लगातार 7 दिनों से डुमरी उपचुनाव को लेकर के लगातार कई सभाएं, एक एक दिन में 7-7 सभाएं कर रहे हैं और लोगों को रुझाने की काम कर रहे हैं। और उसी क्रम में जो है कल नावाडी के बांधडी में भी जो है कई लोगों से आम सभा की और लोगों से अपने यशोदा देवी के पक्ष में वोट मांगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अब महज 2 दिन रह गए हैं प्रचार प्रसार का, और प्रचार प्रसार के बाद 5 तारीख को मतदान होगा और 8 तारीख को मतगणना होगा। तो 5 तारीख को जो मतदान होगा और महज 2 दिन रह गए, तो कहीं ना कहीं लोग के जनसंपर्क में जा रहे हैं, लोग से आग्रह कर रहे हैं क्योंकि एनडीए के पक्ष में या जो है इंडिया के पक्ष में अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की मांग कर रहे हैं। जी ठीक है संजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।